मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को विधानसभा में ये ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बाहर एनपीएस कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद उनसे मुलाकात कर उन्हें कमेटी बनाकर इस मामले में अध्ययन करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अब इस मामले में कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को विधानसभा में ये ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा के बाहर एनपीएस कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद उनसे मुलाकात कर उन्हें कमेटी बनाकर इस मामले में अध्ययन करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2003 में कांग्रेस सरकार ने ही प्रदेश में सबसे पहले एनपीएस को लागू किया था, लेकिन आज जब वो विपक्ष में है तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। आज जो कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आए थे, विशेष तौर से उनकी मांग ये है कि 2003 से पहले जो ओपीएस थी उसको बहाल किया जाए। एक राज्य को छोड़ करके, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके, पूरे देश के सभी राज्यों में आज की तारीख में न्यू पेंशन स्कीम ही चल रही है। बात ये आ रही है कि प्रमुख रूप से मांग आ रही है कि अब ओपीएस के लिए बात कह रहे हैं। आज हमने इनके बात कही कि इसमें सारी कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेंगी। आज की परिस्थिति में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या हम स्थिति में हैं कि हम ओपीएस के लिए जा सकते हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर के एकदम जल्दी में निर्णय करना संभव नहीं। तो इसलिए थोड़ा हमको इस बात को कैलकुलेट करने दीजिए, सोचने दीजिए, विचार करने दीजिए और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने आज एक ही बात कही है कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो कमेटी सबके पक्ष को, एनपीएस के उस पक्ष को भी सुनेंगे और उसके साथ साथ में अपना सरकार का पक्ष भी सुनेगी, सरकार में क्या स्थिति है और उसके बाद फिर क्या चीजें की जा सकती हैं जो डूएबल होगी, उन सारी चीजों पर उसके बाद ही विचार करेंगे। गौरतलब है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर विधानसभा में एनपीएस कर्मचारियों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुलाकात की है और मामले पर कमेटी का गठन कर आगामी निर्णय लेने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, धर्मशाला।